पीरियड्स महिलाओं में हर महीने होने वाली ब्लीडिंग को कहते हैं। नॉर्मली यह 10 से 15 वर्ष की आयु में लड़कियों को होना शुरू होता है। वैसे तो यह सामान्य प्रक्रिया है जिसके अनुभव हर लड़की में अलग अलग होते हैं। आपने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया, सफर की तैयारियों के बीच अचानक से आपको पीरियड्स आ जाए, ऐसी सिचुएशन में मूड खराब होना लाजमी है। इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए कई बार लड़कियां पीरियड्स डिले करने की टैबलेट खा लेती हैं या फिर अन्य किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दवा खानी पड़ती है। लेकिन इन दवाओं को लेकर कुछ गंभीर सवाल जुड़े रहते हैं जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जैसे कि यह दवा इस्तेमाल करना कितना सेफ है, कैसे काम करती है यह दवा, कौन कौन सी होती है पीरियड्स डिले करने की दवाइयाँ और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और एट द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेज। हम लास्ट में एक नेचुरल तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें पीरियड्स को कैसे हम नेचुरली डिले कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो भी बातें बताएंगे यह सब गायनेकोलॉजिस्ट प्रूफ है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कितना सेफ है। पीरियड्स का होना एक नेचुरल प्रोसेस है और कभी कभी नेचुरल चीजों को प्रकृति के अगेंस्ट जाकर रोकना एक नुकसानदायक हो सकता है। एक लिमिट तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन कभी कभी इसका यूज नियमित तौर पर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर इस दवाइयों का प्रयोग नियमित पीरियड्स को बंद करने के लिए किया जाएगा तो यह आपके शरीर पे काफी घातक परिणाम डाल सकती है, इसलिए जहां तक वो दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब जानते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है। इस दवा के अंदर नोरएथिस्टेरोन होता है जिसका संबंध सीधा प्रोजेस्टेरोन नाम की दवाओं से है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो इन दवाओं के सहारे से उस प्रोजेस्टेरोन लेवल का बढ़ना हमारे शरीर में होता है। तो जैसे ही वो प्रोजेस्टेरोन लेवल हमारे शरीर में बढ़ते हैं, इससे यूट्रस की जो परत होती है वो गिरना रुक हो जाती है। इस वजह से जो परत के ना गिरने से पीरियड्स नहीं आते। दवा का सेवन बंद करने के बाद शरीर में हार्मोन का लेवल नॉर्मल होने में टाइम लगता है। हालांकि दवा बंद करने के 3-4 दिन बाद पीरियड्स आ सकते हैं, लेकिन हार्मोन लेवल तब तक सामान्य नहीं होता। अब जानते हैं कि कौन कौन सी होती हैं पीरियड्स डिले करने की दवाइयाँ। आमतौर पर दो तरह की दवाइयाँ होती है जो पीरियड्स डिले करने में हेल्पफुल है। फर्स्ट वन इज बेसिक पिल्स एंड सेकेंड वन इज मिनी पिल्स। तो ये दो दवाइयां हैं जो पीरियड्स डिले करने में यूज होती हैं, जिनके में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की सलाह से ही हमें दवा खानी चाहिए। अब जानते हैं कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस दवा के। नॉर्मली हर चीज को ओवरडोज से साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, तो इस दवा के भी कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि शरीर पर रैशेज होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, वजन बढ़ना, हाई बीपी की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि दवाई छोड़ने के बाद पीरियड्स में हैवी फ्लो होना। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं दोस्तों जो इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब हमें ऐसी दवा नहीं खानी चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह से ही अगर हमें इमरजेंसी है तो इन दवाओं की तरफ जाना चाहिए, वरना हम तो आपको यही सलाह देंगे दोस्तों इन दवाओं से जितना हो सके दूर ही रहिएगा। हम आपको अब एक नेचुरल तरीके बताने वाले हैं जिससे आप पीरियड्स को डिले कर सकते हैं। होपफुल कि वो आपके लिए इतना अच्छे साबित हो कि आपको दवा ना लेनी पड़े। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेचुरल वेज की तरफ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि 5 मिलीग्राम सेब का सिरका ले लीजिए और इसे 150 ग्राम पानी में मिलाएं और इस मिश्रण को 1 वीक में दिन में 3 बार पी, यानी कि आपको यह 1 वीक तक कंटिन्यू करना है, दिन में 3 बार पीना है। इस तरीके से आप पीरियड्स को 10 दिनों तक डिले कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो जो सरसों के दाने होते हैं उनका सेवन करने से भी पीरियड्स डिले हो जाते। 1 ग्लास गर्म दूध में 2 बड़े चम्मच सरसों का पाउडर मिला दीजिए और यह आप पीजिए, यह भी आपको काफी कारगर होगा। और वहीं अगर नंबर 3 की बात करें तो खीरे का प्रयोग इसमें बहुत कारगर है क्योंकि ठंडी चीजों से हमारे पीरियड्स जो है वो रुक जाते हैं और खीरे की तासीर ठंडी होती है, इसलिए खीरे के प्रयोग से आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
एक और तरीका है दोस्तों, जिलेटिन को एक ग्लास गर्म पानी में मिलाएं और इसे 15 मिनट तक रखे रहने दें और उसके बाद इस पानी को पी लें। ऐसा एक वीक में दिन में 3 बार करने से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।